गुड़गांव की रॉयल पाम पिकाडिली टू सोसाइटी के एक मामले ने सहकार मंत्री और कोऑपरेटिव अधिकारियों की नियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोसाइटी मेंबर की माने तो चेयरमैन और सेक्रेटरी यहां फंड की बड़ी धांधली करते आ रहे थे, जिन्हें हटाने सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहां शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद यहां एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया। हालांकि मामला उस वक्त बढ़ गया जब इसकी जानकारी छुपाते हुए चेयरमैन और सचिव ने इसे चुनौती देने सहकार मंत्री के यहां अपील कर दी। रहीवासियों का खुला आरोप है कि मंत्री ने कैबिनेट फाइल होने के बावजूद एक तरफा सुनवाई की और धांधलीबाज सोसाइटी पदाधिकारियों के पक्ष में फैसला सुना दिया। रहीवासी इसे नाइंसाफी मान रहे हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सोसाइटी की स्थिति काफी नाजुक है। सोसाइटी में करप्शन घोर तरीके से हो रही है। बीएमसी ने हमारी सोसाइटी को ऑक्शन के लिए अटैच किया है। कैन यू बिलीव इट? कैवियट के बावजूद उन्हें इंटरिम स्टे दे दिया गया। ये किसकी सांठगांठ से हो रहा है? इसमें एक मंत्री और संतरी, उसका पीएस और मिनिस्टर दोनों इन्वॉल्व है। जब आप सुनवाई के लिए दूसरे पक्ष को सुनी नहीं रहे हो तो किस बात पर सुनवाई हो रही? तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, आप हियरिंग नहीं, ये नहीं जाना, सब थोड़े देख रहे, मना कर रहे हैं। तस्वीर में दिख रही गोरेगांव की यही वो रॉयल पाम पिकाडिली टू सोसाइटी है जिसके चेयरमैन और सेक्रेटरी की कथित धांधली ने आजकल इसे सुर्खियों में ला दिया है। बताया जा रहा है कि बीएमसी ने 56 लाख के टैक्स बकाए को लेकर पिकाडिली टू के प्रमोटर और डेवलपर आमिर पार्क एंड एम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अटैच करने का फरमान जारी किया है। यहां के रहीवासी डॉक्टर राहुल कालरा और सोनी चंडी की माने तो सोसाइटी के नीलाम होने की नौबत यहां के चेयरमैन अमोल चौधरी और सचिव विनोद यादव की धांधली और भ्रष्टाचार के कारण आई है। रहीवासियों के मुताबिक जो भी इनसे धांधली पर सवाल पूछता है उसके खिलाफ फर्जी केस और गुंडागर्दी होती है और इसीलिए पुरानी कमेटी को रद्द कर नई कमेटी बनाने की कवायद चल रही है। फिलहाल रहीवासी न्याय मांग रहे हैं लेकिन संबंधित विभाग और मंत्रालय ने एक तरफा फैसला सुनाकर इसमें नई अड़चन पैदा कर दी है। सोसाइटी की स्थिति काफी नाजुक है और जो चेयरमैन है वो अमोल चौधरी और जो सेक्रेटरी है विनोद यादव, इन सब के जो नॉन ट्रांसपेरेंट वे ऑफ वर्किंग है उसके वजह से आज बीएमसी ने उसको नीलाम करने के लिए, ऑक्शन के लिए लेके आया है। 2018 में ही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है और जब हम कोई जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिखा सकते, ये तो हमारे लॉ में ही नहीं है, नहीं दिखा सकते आपको स्टेटमेंट। तो फिर हमने लीगल वे में प्रोसीड किया, डीडीआर के पास गया, उनको भी नहीं दिया, वहाँ पे डीजीआर के पास गया, वहाँ पे नहीं दिया, वहाँ सब जगह अलग अलग तरीके से उन लोग करप्टेड वे में उसको घुमाते रहते हैं ताकि हमको न्याय ना मिले। हमारी सोसाइटी में करप्शन घनघोर तरीके से हो रही है और करप्शन की वजह से खुलेआम गुंडागर्दी होती है। आपको जरा जरा सी बात के लिए टॉर्चर करते हैं सेक्रेटरी और चेयरमैन। मैंने लोगों को यूनाइट करने के लिए जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उन्होंने मुझे धमकाया कि व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करो। मेरे को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है जब से मैंने ट्रांसपेरेंट अकाउंट्स की मांग की है अपने कुछ साथियों के साथ। बीएमसी का टैक्स जो 87 लाख रुपीज सोसाइटी का बकाया है, बीएमसी ने हमारी सोसाइटी को ऑक्शन के लिए अटैच किया है। कैन यू बिलीव इट? और तब भी हमारी सोसाइटी में किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही, तो वो बिल्डिंग नीलाम हो सकती है। मेरी जानकारी के बगैर मेरा घर छीना जा सकता है, आप समझ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा जो लोग भी वहां पर घर खरीदते या बेचते हैं, जबरन एनओसी देने के बहाने किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख लोगों के पास प्रूफ हैं, बिल हैं, चेक की कॉपीज हैं जो उन्होंने घर खरीदने और बेचने के समय एक्स्ट्रा दिए हैं, वो सब पैसा भी गायब हो चुका है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लूट है सिर्फ एक छोटी सी 100 मेंबर्स की सोसाइटी में। रहीवासी बताते हैं कि 100 फ्लैट वाली पिकाडिली टू सोसाइटी की धांधली का यह मामला रजिस्ट्रार और अपर रजिस्ट्रार तक गया था जिसकी जांच पड़ताल के लिए सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया।
लेकिन सोसाइटी पदाधिकारियों ने इसे चुनौती देते हुए सहकार मंत्री के पास अपील कर दी। यहां सुनवाई भी हुई लेकिन शिकायतकर्ताओं को उस समय अंदर घुसने नहीं दिया गया। रहिवासी और उनके वकील एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि वे मंत्री कार्यालय के बाहर गुहार लगाते रहे लेकिन वहां के अधिकारी और पुलिस ने सुनवाई में शामिल नहीं होने दिया। रहिवासियों ने बताया कि हमने पहले से ही कैविएट दाखिल किया था, फिर भी दोनों पक्षों को साथ लेकर सुनवाई नहीं की गई और मंत्री ने एक तरफा फैसला देते हुए वर्तमान कमेटी को ही बरकरार रखा, जो सरासर नाइंसाफी है। ये बहुत सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ गया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और ये बात ये है कि जब ये बात मंत्रालय तक पहुंची उसमें ये कोई बात को जिक्र ही नहीं हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, और उन्होंने पिछले वाले दो ऑर्डर को स्टे करके एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल दिया, जबकि उस ऑर्डर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है। तो ये बात ये कि ये बात तो ये मंत्रालय में भी छुपाया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठा हुआ है, कि उन्हें दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। जबकि हमारे पास ये सबूत है कि हम बाहर खड़े हैं, हमें अंदर ही आने नहीं दिया जा रहा और उन्हें एक स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तो सिंपल सी बात है कि जब आप सुनवाई के लिए दूसरे पक्ष को सुनी नहीं रहे हो तो किस बात का सुनवाई हो रही। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। पहले ये मामला डीआर में गया, यानी कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार में, वहां वो हार गए। हारने के बाद उन्होंने अपील किया जेआर में, यानी कि जॉइंट रजिस्ट्रार में, जहां हमने पहले से कैवियट फाइल किया हुआ था जिसके हम पूरे प्रूफ रिकॉर्ड सब दिखाएंगे। जब कैवियट फाइल हुआ था उसके बावजूद, कैवियट का मतलब होता है कि जब तक दोनों पार्टियां मिलेंगी नहीं, हियरिंग नहीं होगा, तब तक किसी को भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, पर कैवियट के बावजूद उन्हें इंटरिम स्टे दे दिया गया। हियरिंग के वक्त हम बाहर खड़े रहे, प्लीड करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे लोगों को, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि हमें इंटीमेशन ही नहीं था। इंटीमेशन क्यों नहीं था? क्योंकि हम वो चाहते ही नहीं थे, कि वो चाहते थे एक तरफा फैसला हो जाए। ये किसकी सांठगांठ से हो रहा है? हमें धीरे धीरे पता चला इसमें एक मंत्री और संतरी, उसका पीएस और मिनिस्टर दोनों इन्वॉल्व्ड हैं। इस मामले में टीवी वन इंडिया ने पिकाडिली 2 के चेयरमैन अमोल चौधरी से फोन पर कई बार जवाब लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अलबत्ता दूसरे पदाधिकारियों ने बताया कि रहिवासी जानबूझकर चेयरमैन और सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे हैं और सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रहिवासियों के वकील एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने ऐतराज जताते हुए कहा कि सोसाइटी में धांधली की सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसलिए शिकायत की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित मंत्री का रवैया कई सवाल खड़े करता है। एडवोकेट गुप्ता ने कहा कि अब हम न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत प्रॉपर्टी टैक्स बाकी थे, इन्होंने पैसे लिए थे, दिए नहीं, अकाउंट नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए पी वार्ड सब रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेन किया गया। कंप्लेन में पी वार्ड सब रजिस्ट्रार ने इनको पाया कि इन्होंने कोई पेपर दिया नहीं, उसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद ये लोग जो है उसमें कमेटी के सेक्रेटरी चेयरमैन, पूरी कमेटी कुछ लोग चले गए अपील में, वहाँ पे गए, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैविएट फाइल कर रखी थी। मेरे कैविएट को सुनवाई ना करके, यानी उनका अपील भी फाइल हुआ, अपील फाइल होने के बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ था, मैंने तुरंत जो है उनका रिप्लाई भी फाइल किया। उसी के बीच में इन्होंने एक एंट्री ऑर्डर निकाल दिया बगैर मुझे सुने। फिर सेकंड डेट जो पड़ा तो पता चला कि चला आज सुनवाई हियरिंग लगी हुई है, तो मैं गया तो मुझे कॉपी भी नहीं दिया गया था। उस डेट पे भी मैंने बोला था मुझे कॉपी तो दीजिए, मैं रिप्लाई फाइल कर सकूँ। उस डेट में मैं मंत्रालय के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, बहुत कोशिश किया मैंने, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, एंट्री ही मुझे नहीं मिली। मैं बोला वहाँ मैटर लगा हुआ, मुझे जाना है। और उस दिन जो है अपील में सारे उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑर्डर, पी वार्ड का ऑर्डर जो है कौन था उन्होंने स्टे कर दिया। यही डिप्टी रजिस्ट्रार थे वहीं पे, वहाँ पे सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने, जबकि उनको सुनने का राइट नहीं था, उनका ऑर्डर ऑलरेडी वहाँ पे था, उनको बिफोर मी करना चाहिए था कि मुझे नहीं सुनना है, कि किसी और के पास जाए, लेकिन तब भी उन्होंने उनके फेवर में कर दिया बगैर मुझे सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।